नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जहां 36 गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। देवभोग इलाके में उफान पर बेलाट नाला, पानी के तेज बहाव में लोग कर रहे पार, प्रशासन ने तैनात किया जवान। और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गरियाबंद में, जहां भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। दरअसल 36 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। देवभोग इलाके में उफान पर बेलाट नाला है और पानी के तेज बहाव में लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने जवान भी तैनात कर दिए हैं। हेलो, तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का निकल पाना मुश्किल हो रहा है। जवानों को यहां पर तैनात किया गया है ताकि अगर लोग किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो उनकी मदद की जा सके। जिन्हें बहुत जरूरी है वही इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई हादसे ऐसे रास्तों में सामने आ चुके हैं। तो सावधानी बरती जा रही है, सावधान का पोस्टर लगा दिया गया है और दोनों ही तरफ से लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। और 36 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। देखिए कितनी मशक्कत करके जो ग्रामीण हैं वो रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पानी का तेज बहाव है और इसके चलते जो कच्चा पुल है वो पूरा डूब चुका है। और लंबे समय से यहाँ पर एक व्यवस्थित मार्ग की मांग लगातार ग्रामीण कर रहे थे, लेकिन अभी तक फिलहाल इसका कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए हैं। शेख इमरान, भारी बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ गए हैं, देखा जा रहा है कि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही। 36 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। जी बिल्कुल, देखिए कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से जो 36 गांव है यहाँ जो है जिला मुख्यालय से संपर्क जो है पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। देवभोग मैनपुर क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते शोभा जरीडी नाले में बाढ़ आ गया है और लगभग इस समय जो सबसे ज्यादा बारिश हुई है 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लोग देख सकते हैं कि किस तरह जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा ग्रामीणों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो गांव से जिला मुख्यालय तक आ सके। किसी जरूरत सामान के लिए अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो मुश्किल में पड़ जाते हैं, वहां से ना किसी तरह का गाड़ी आर पार हो सकता है। और ज्यादा अगर बारिश होती है तो समय नहीं लगता कि नदी किस समय कितने उफान पर आ जाए, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ जाता है और जिसके वजह से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। और लगातार ग्रामीण जो इन पुलों को निर्माण के लिए कई तरह की मांग कर चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कई सालों से इनकी मांग जो है अटकी हुई है। नतीजा ये कि जब भी बारिश होती है तो इसी तरह वो जिला मुख्यालय से उनका संपर्क टूट जाता है और ग्रामीण मुसीबत में पड़ जाते हैं, जान जोखिम में डालकर वो नदी को पार करते हैं। अनहोनी घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने हालांकि वहां पर जवान को तैनात कर दिए हैं, लोगों को वहां से आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बावजूद अगर जरूरत रहता है तब ग्रामीण जाते, नहीं तो उनके खाने पीने के लिए बहुत परेशानी उनको हो जाती है, किसी आवश्यक सामग्री लाने के लिए परेशानी हो जाती है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल ले जाने में परेशानी हो जाती है और ऐसी कई तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। फिलहाल एहतियातन के तौर पर पुलिस बल वहां पर मौजूद है, जवान वहां पर मौजूद है, लेकिन ग्रामीण जो है ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पुलिस बल मौजूद नहीं है, वहां से ग्रामीण नदी को पार कर रहे हैं, ऐसे में अनहोनी घटना होने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए घटनाओं की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं और यहां पर हालांकि जवानों को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके से कोई घटना ना हो पाए। गरियाबंद जिले में हुई जोरदार बारिश के बाद जिले के 10 से ज्यादा गांवों में ब्लैक आउट हो गया है। इन गांवों में 48 घंटे से ज्यादा समय से बत्ती गुल है। तेज बारिश के बाद गांवों में बिजली कटने की वजह से ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। पांडुका थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों में लाइट नहीं है। दूसरी तरफ विद्युत विभाग इस मुद्दे पर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कांकेर में बारिश से बिगड़े हालात, नेशनल हाईवे 30 पर भरा पानी, जहां चरामा नगर पंचायत में हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। जिले में उफान पर है नदी नाले, कई गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क और इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिला मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट चुका है और चरामा नगर पंचायत में हालात काफी बिगड़ चुके हैं। जिले में उफान पर है नदी नाले और इसके चलते रास्ते पूरे बाधित हो गए। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, बिगड़े बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं, कैसे हालात हैं वहां पर?
ये देखिए कांकेर जिले में लगातार हो रही जो बारिश है, बारिश के चलते जो है कांकेर जिले के कई अंदरूनी इलाकों के जो गांव हैं उनके संपर्क मुख्यालय से टूट गए हैं। तो वहीं बात करें नेशनल हाईवे 30 में तो चरामा जो नगर पंचायत है, चरामा नगर पंचायत में जल मग्न हो चुका है पूरा नेशनल हाईवे और आवागमन में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पूरे जो है सड़क में जो है पानी जो है बह रहा है और नाली, यहाँ पर नगर पंचायत जो चरामा नगर पंचायत की एक पोल भी खुलती नजर आ रही है कि जो नाली निर्माण कराया गया है और नाली से ऊपर जो है पानी बहकर जो है सड़कों पर चल रहा है, तो इसके कारण से जन जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं कांकेर जिले के नदी नाले जो है अभी उफान पर हैं और जो संपर्क है गांवों का मुख्यालय से वो टूट चुका है, कई जगह पर बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है। तो लगातार बारिश होने से काफी सारी समस्याएं जो है जनजीवन पर पड़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी की। आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से हालात काफी खराब हो चुके हैं। और वहीं बस्तर की बात करेंगे जहां बस्तर में भी ऐसा ही कुछ नजारा सामने आया है। दरअसल बस्तर संभाग में हुई जोरदार बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर 20 सेंटीमीटर बढ़ गया है और नदी में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। झमाझम बारिश के बाद बस्तर संभाग से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए वाटरफॉल के नजदीक सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। सभी पर्यटन स्थलों पर जवानों को तैनात किया गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए चित्रकोट और तीरथगढ़ में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जगदलपुर शहर के आसपास के गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। हाटगुड़ा, धुरगुड़ा, भाटागुड़ा, तुरेनार, रामपाल और बस्तर से सांसद का गांव कलचा भी शहर से कटा हुआ है। वहीं दंतेवाड़ा में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। गीदम के हारम में वार्ड नंबर 6 में छात्रावास के पीछे बरगद का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से 4 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पेड़ गिरने से मची अफरा तफरी, बाल बाल बच्चे घरों में रहने वाले लोग। वहीं दुर्ग जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण मोगरा जलाशय से 36,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया। पानी छोड़ने से शिवनाथ नदी का एनीकट छलक उठा है। यहां आने जाने पर रोक लगा दी गई है। एनीकट के 15 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। एनीकट के 21 गेट खोल दिए गए हैं। शिवनाथ नदी के किनारे के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गांवों में मुनादी करवाई जा रही है। राजनांदगांव जिले में हुई एक घंटे की झमाझम बारिश ने जिला अस्पताल को जलमग्न कर दिया है। अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भी पानी भर गया है, जहां मशीनों को बेड पर रखा जा रहा है और मरीजों को ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पूरे जिला अस्पताल में पानी ही पानी नजर आ रहा है। गौरतलब है कि हर साल मॉनसून की बारिश में जिला अस्पताल का यही हाल होता है और इस बार भी भारी बारिश की वजह से जिला अस्पताल जलमग्न हो चुका है, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों से लेकर डॉक्टर और दूसरे स्टाफ को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर के कारोबारी गोलीकांड में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। हरियाणा झारखंड से पकड़े गए आरोपी, 3 आरोपी पकड़े गए हैं जहां हरियाणा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार हुए हैं। अमन साहू गैंग से जुड़े हैं। गोलीकांड के तहत जहां लेवी के लिए दी गई थी सुपारी, तेली बांधा में गोलीकांड हुआ था। बड़ी खबर आपको देना रायपुर से, जहां रायपुर के कारोबारी गोलीकांड में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना तेलीबांधा अंतर्गत 13 जुलाई के प्रातः 11 बजे के आसपास पीआरए कंपनी के ऑफिस के सामने गोली चालन की घटना हुई थी। तो 2 लोगों ने मोटरसाइकिल प्रोवाइड कराई थी चोरी करके जो शूटरों को, और एक ने उनके अकाउंट में पैसा डाला था। तो इस प्रकार से 3 लोग झारखंड के गिरफ्तार हुए हैं और 3 हरियाणा से, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड है अमनदीप वाल्मीकि और उसके साथी लक्ष्मण और रवि। रवि ने अपने नाम से सिम मुहैया कराया उसी दौरान घटनाकारित करने के लिए और उनको प्रोवाइड कराया जो शूटर्स थे उनको। तो इस प्रकार से अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक को। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? कारोबारी गोलीकांड मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आज
देखिए, रायपुर पुलिस को सफलता मिली है और जो मुख्य हैंडलर है अमनदीप, जो हरियाणा का रहने वाला है, अमन साहू जो गैंग चलाता है झारखंड में, उससे तालमेल स्थापित करके इस पूरी घटना को अंजाम उसने दिया था और बकायदा उसने सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया था। और वही जो शूटर जो दो लोग यहां पर आए थे उसको मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल वहां पर उपलब्ध कराया झारखंड में, और इसके अलावा तमाम जो सुविधाएं हैं उनको दी गई है। तो झारखंड से तीन और हरियाणा से तीन, तीनों अंतर्राज्यीय जो गैंग के जो लोग हैं उन कुल छह लोगों को गिरफ्तारी पुलिस ने की है और इस पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। दो लोगों को रिमांड पर भी लिया गया है और पूरे घटनाक्रम का खुलासा और भी अभी होना है, क्योंकि जिन लोगों ने यहां पर गोली चलाई थी, फायरिंग की थी, अभी उसकी तलाश कर रही है। लेकिन इस घटना का पूरा जो मास्टरमाइंड है अमनदीप, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कई खुलासे अभी हो सकते हैं। और वैसे भी अमन साहू को रायपुर के पुलिस लाने वाली है, तो इस घटनाक्रम के भी और भी राज खुलेंगे। आखिर किस तरह से लेवी वसूली के नाम पर यहां पर दहशत बनाने का काम किया जा रहा था और 13 तारीख की इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, 10 टीमें बनानी पड़ी थी और आखिरकार पुलिस ने पुलिस के जो हाथ हैं उन आरोपियों को दबोचने में सफलता भी हासिल की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने इन छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, आगे की पूछताछ हो रही है किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो भी आपको हमने सुनाया। और अब आगे बढ़ेंगे जहां अंबिकापुर में बोलेरो ने महिला को रौंद दिया है। हादसे में महिला घायल हो गई है, महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मारी गई, नशे में बताया जा रहा है ड्राइवर। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हुआ है। सीजी सेट की परीक्षा की वजह से लगी थी भीड़। कोतवाली थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर का पूरा मामला है जहां बोलेरो ने महिला को रौंद दिया, महिला बुरी तरीके से जख्मी हुई। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, कैसे यह हादसा हुआ है, बोलेरो चालक की कहां लापरवाही सामने आई है? देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र के ओपीएस स्कूल के पास की यह घटना है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा का आज एग्जाम हो रहा था और इसके वजह से जो है स्कूल के सामने जो है जो परीक्षार्थी है उसके परिजन भी खड़े थे और काफी संख्या में जो है वाहनों की कतारें वहां पर लगी थी। इसी दौरान जो है तेज रफ्तार अनियंत्रित जो बोलेरो वाहन है वो वहां पर पहुंची और 6-7 गाड़ियों को रौंदते हुए वहां पर पलट गई। इस दौरान जो है एक महिला भी उसके चपेट में आ गई, जिसके बाद से वो बुरी तरह घायल हो गई है। हालांकि जैसे ही हादसा हुआ इसके बाद से जो बोलेरो चालक था वो फरार हो गया है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि वो जो चालक था वो शराब के नशे में था और जैसे ही हादसा हुआ इसके बाद वो वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया है। स्थानीय लोग कोतवाली जो पुलिस है उसको सूचना दी है, मौके पर पुलिस पहुंची है और जो महिला है उसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है जहां उसको भर्ती कर लिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां कोंडा गांव में गौ तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करों के कब्जे से 93 मवेशी छुड़ाए गए हैं। मवेशियों को ओडिशा लेकर जा रहे थे तस्कर और इसी दौरान इन मवेशियों को पकड़ लिया गया है। तो खबर कोंडागांव से है जहां पर गौ तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करों के कब्जे से 93 मवेशी छुड़ाए गए, मवेशियों को ओडिशा लेकर जा रहे थे तस्कर और इसी दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए। विवेक, 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया, मवेशी भी इनसे छुड़ाए गए हैं। देखिए रंजू, ये बता दूं कि ये प्रदेश का ये सबसे बड़ा गौवंश तस्करों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई है। दूसरा मामला है प्रदेश का। इसके पहले भी कोंडागांव पुलिस ने करीब 4 दिन पहले गौ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की थी, वो जो प्रदेश का पहला मामला माना जा रहा है। इसमें पहली बार जब किया था तो 35 गौ तस्करों गौवंशों को कंटेनर से छुड़ाया गया था और कल रात में सीमावर्ती जो क्षेत्र है उड़ीसा बॉर्डर है वहां पर 93 गायों को छुड़ाया गया है। इन सभी गायों को लेकर उड़ीसा बॉर्डर होते हुए तेलंगाना बूतरखाना ले जा रहे थे, ये पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है। और जो गायों को छुड़ाया गया है उनको वहां पर सुरक्षित ग्रामीणों के हवाले कर दिया गया है। इसमें जो पकड़े गए आरोपी है वो सब उड़ीसा के निवासी है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विवेक। और अब
आगे बढ़ेंगे जहां भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मंत्रियों के विभाग में जल्द फेरबदल किया जा सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विभागों के आवंटन को लेकर अंतिम रूप दिया है। मंत्री राम निवास रावत मिल सकता है वन पर्यावरण विभाग। नागर सिंह चौहान से लिया जाएगा वन पर्यावरण विभाग। नागर सिंह चौहान के पास अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग रहेगा। राम निवास रावत ने 8 जुलाई को ली थी मंत्री पद की शपथ। बाकी मंत्रियों के विभाग यथावत रहने वाले हैं। और संवाददाता शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, कुछ बदलाव की बात कही जा रही है मंत्रिमंडल में? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, जो डॉक्टर मोहन यादव ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया था 8 जुलाई को, उसके बाद से ये था कि सीएम अब अपने कौन से विभाग राम निवास रावत को देते हैं। तो ये लंबे समय से, करीब 8 जुलाई से पिछले 13 दिनों से इंतजार चल रहा था और ऐसा माना जा रहा है कि आज वो इंतजार खत्म हो जाएगा और सीएम ने जो मंत्रालय का विभाग का बंटवारा उसको लेकर अंतिम सहमति दे दी है और उस हिसाब से ये माना जा रहा है कि राम निवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया जा सकता है। तो वन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी राम निवास रावत को मिल सकती है। अभी वन जो मंत्रालय है वो नागर सिंह चौहान के पास है, तो नागर सिंह चौहान के पास अनुसूचित जाति कल्याण का जो विभाग है वो रहेगा और वो उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो निश्चित ही ऐसा माना जा रहा है कि आज कुछ ही देर में जो मंत्रिमंडल का जो फेरबदल को अंतिम रूप दिया गया उसकी सूची लिखित में आदेश जारी हो जाएंगे और राम निवास रावत जो करीब 13 दिनों से विभाग मिलने का इंतजार कर रहे थे उन्हें अहम विभाग मिल जाएगा वन जो, और वन के साथ ही पर्यावरण। तो निश्चित ही एक बड़ी जिम्मेदारी राम निवास रावत को मिलने जा रही है। वहीं नागर सिंह चौहान को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जो रहेगा उसकी जिम्मेदारी यथावत रहेगी। हालांकि इसके अलावा बाकी मंत्रियों के विभाग में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जा रहा है और कुछ ही देर में ये मंत्रिमंडल जो अटकल है कि अब वो लगता है कि समाप्त हो जाएगी और सब विभागों का आवंटन विधिवत हो जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र। और अब आगे बढ़ेंगे जहां रीवा जिले में जमीन विवाद के मामले में वायरल वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि भाजपा की सरकार में माफिया का बोलबाला है। दलित आदिवासी महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद में महिलाओं को दफनाने का प्रयास किया जा रहा है और इस मामले में पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास भी जारी है। तो जमीन विवाद के चलते गरमाई सियासत है। और ये देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रीवा का ये पूरा मामला है, हिनौता गांव का मामला है। वहाँ रोड बन रही थी, मुरम वगैरह डल रही थी। अभी तक की सूचना ये प्राप्त हुई है कि वहाँ विरोध कर रहे थी दो महिलाएं, तो उसने जो है मुरम का पलटी किया तो जिसमें वो दबी, तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है, आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। पलटी किया या उसको डाल, ये सब अभी जांच का विषय है। अभी हम इसको जांच कर रहे हैं, जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। क्या वो ट्रक पकड़ लिया गया है या पुलिस ने उसको रजिस्टर भी लिया? ट्रक के विषय में अभी हमारी टीम गई हुई है। और संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए। शिवेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, इसको लेकर सियासत भी हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जमीनी विवाद का मामला था और इस पे एक पक्ष सड़क निकालने की कोशिश कर रहा था, जिससे दूसरा पक्ष जो विरोध कर रहा था उसने तहसीलदार के यहाँ से स्ट्रे ले रखा था। ऐसे में कोई भी उस जमीन का इस्तेमाल अन्य प्रयोजन में नहीं कर सकता था। इसी ऐसे में बलपूर्वक जो दूसरा पक्ष था उसने सड़क बनाने की कोशिश की, जिसका दो महिलाओं ने, ममता और आशा ने, विरोध किया और जो मुरुम से भरा जो दो डंपर और एक जेसीबी लगाई गई थी उसमें एक डंपर की जो मुरुम थी उस महिलाओं के ऊपर पलटा दी गई, जिससे वो दोनों उस मलबे में दब गए थे। हालांकि जो आसपास के लोग हैं दौड़कर उनको काफी मशक्कत के बाद उनको दोनों को जीवित निकाल लिया और उपचार के लिए गगे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जो डंपर है उसको जब्त कर लिया है और पुलिस की टीम वहां पे इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी,
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिवेंद्र। तो पुलिस की टीम इस मामले की जानकारी में जुट गई है। ये पूरा घटनाक्रम आपने सुना किस तरीके से जो महिलाएं हैं, और रीवा से डीआईजी साकेत पांडे जी जुड़ गए हैं। साकेत जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू, बताएं ये पूरा घटनाक्रम जो रीवा से सामने आ रहा है जमीन विवाद के चलते, अब इस पर सियासत भी हो रही है, किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो रही है सर? एक्चुअली में ये पारिवारिक विवाद है इनका, पांडे फैमिली है, इनके खेत का विवाद था, कोई आदिवासियों वाला मामला नहीं है जी। और इनके खेत से रोड जानी थी, रोड निकलनी थी, उसी को लेके इनके परिवार में विवाद था जी। और वो मोरम वगैरह डल रहे थे, इसी समय जिनका खेत है आशा पांडे जी और उनके परिवार की एक और महिला है, तो उन्हीं के परिवार के है जी। तो उसी समय वो डंपर चालक ने वो मोरम उतार रहा था, उतारा, कई लोग खड़े थे, ये पीछे थे, तो मोरम में दब गए लोग। ऐसी कोई जनहानि नहीं है और पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर ली है। बीएनएस का पुराना 308 आईपीसी हुआ करता था, अपराध पंजीबद्ध करके एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, डंपर जब्त है और वहाँ पे पिकेट लगा है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लेकिन वो जो महिलाएं जख्मी हुई तो आदिवासी महिलाएं बताई जा रही हैं, नहीं रिपोर्टर मौके पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की गई है, वो तो आदिवासी महिलाएं। दूसरी तरफ जो डंपर चालक है, क्या उसे पता नहीं था कि पीछे कोई है? आशा पांडे और ममता पांडे दो हैं, यानी कि आदिवासी महिलाएं नहीं है। और सर यहाँ पे जो मुरुम डाली जा रही है, रोड निकली जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या ये स्पष्ट नहीं है इन लोगों को कि यहाँ पर लगातार जो काम हो रहा है इसके चलते मुरुम डाली जा रही है, तो इसका विरोध भी किया जा रहा है, क्यों विरोध कर रहे थे फिर इसका? अब इनके खेत का गांव में विवाद है, इन्हीं के रिश्ते में जो गोकर्ण पांडे हैं, वो रिश्ते में इनका बड़ा परिवार है, रिश्ते में ससुर लगते हैं, वो उनका ही विवाद चल रहा था, संभवतः कोर्ट से कुछ इनके फेवर में हुआ है, तो वो डंपर लेके पहुंच गए वहां मुरम डलवाने, रास्ता बनवाने के लिए जी। और इसी में काफी लोग थे वहां पे, काफी लोग, यानी कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है यहाँ पे? नहीं, उनका पारिवारिक विवाद है। अच्छा। पारिवारिक विवाद, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कि ये पारिवारिक विवाद है और पारिवारिक विवाद के चलते ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। मशीन धक्का मार दे, निकल जाते।